पीएम मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से की बात। पश्चिम एशिया के ताजा हालात पर हुई बात। मोदी बोले, आतंकवाद के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं, भारत शांति बहाली के प्रयासों का समर्थन। लेबनान में इसराइल ने छोटे ऑपरेशन की शुरुआत की, जल्द होगा बड़ा ऑपरेशन। अमेरिका ने किया ग्राउंड ऑपरेशन का विरोध, जल्दी सीजफायर की मांग। इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को भड़काया, कहा सरकार को लोगों की परवाह नहीं, उसे सिर्फ हिजबुल्ला और हमास की चिंता, एटमी हथियारों पर पैसा बर्बाद कर रही है ईरान की सरकार। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में नसरल्ला की मौत पर शोक सभा का आयोजन, नसरल्ला से मजहबी रिश्ता होने की दलील। इसराइल की सेना ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर दागे 135 रॉकेट, हिजबुल्ला के कई कैंप नष्ट, कमांड रूम हथियार डिपो को भी नुकसान। इसराइल की सुरक्षा एजेंसी शिनबेच का बड़ा आरोप, इसराइल में हत्याओं को अंजाम देने की कोशिश में ईरान, ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या के लिए इसराइली नागरिकों की भर्ती भी जारी। बांग्लादेश में कट्टरवादियों की हिंदुओं को धमकी, एक हफ्ते में बांग्लादेश से निकलने का दिया अल्टीमेटम। पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों ने आतंकी जाकिर को एयरपोर्ट पर किया उसका स्वागत, 15 दिनों तक पाकिस्तान में ही रहेगा जाकिर नाइक। मुंबई में मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ने का काम शुरू, धारावी इलाके में बनी मस्जिद को मिला था नोटिस, मस्जिद प्रबंधन खुद तोड़ रहा है अवैध निर्माण। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में अवैध मदरसे का हिस्सा तोड़ा गया, पुलिस की निगरानी में अवैध हिस्से पर चला बुलडोजर। आज जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान, 7 जिलों की 40 सीटों पर जारी है वोटिंग। हरियाणा में मतदान से पहले डेरा प्रमुख राम रहीम की चुनाव आयोग ने शर्तों के साथ परोल की मंजूर, हरियाणा सरकार लेगी आखिरी फैसला। पीएम मोदी आज हरियाणा के पलवल में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, शाम 4 बजे पलवल के गतपुरी ग्राउंड में हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले कांग्रेस को राम और कृष्ण के लिए नहीं, वक्फ बोर्ड के लिए जमीन चाहिए। मैसूरू में जमीन के फर्जीवाड़े के आरोपों में फंसे सीएम सिद्धारमैया की पत्नी ने की 14 प्लॉट वापस करने की पेशकश, सिद्धारमैया की पत्नी ने अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को लिखी चिट्ठी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और मंत्री बिस्वजीत राणे ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले दोनों ही नेता। हेमंत विश्व शर्मा ने पूरे देश में एनआरसी लागू करने की मांग की, कहा असम के रास्ते झारखंड और बंगाल पहुंच जाते हैं घुसपैठिए। बरेली में लव जिहाद के एक मामले में अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 6 महीने में सुनाया फैसला। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने बोधगया में हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की, बोले सनातनी अपने धर्म और तीर्थों का उड़ाते हैं मजाक, मुसलमान अपने मौलवियों की नहीं करते बेइज्जती। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शाहबुद्दीन ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को नफरती बताया। मुंबई में बीजेपी का महामंथन, अमित शाह की बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग, चुनाव के मद्देनजर होगी चर्चा। दिल्ली में कई जगह बीएनएस की धारा 163 लागू, 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक 6 दिन के लिए लागू, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मामला और 2 राज्यों में चुनाव के चलते लागू। विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को दिया राज्य माता का दर्जा। दिल्ली के बाहरी जिले में रोड रेज में पुलिस कांस्टेबल संदीप की मौत के मामले में एक्शन, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के गुरदासपुर में बस का ब्रेक फेल, हादसे में 4 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में 6 अक्टूबर को भारत बांग्लादेश के मैच को लेकर बवाल, हिंदू संगठनों ने मैच न होने देने की दी धमकी। दिल्ली पुलिस ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को उनके समर्थकों के साथ हिरासत में ले लिया, सोनम वांगचुक सिंधु बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में दाखिल होना चाहते थे। बिहार के बेगूसराय में बैती नदी में पलटी नाव, हादसे के वक्त नाव में सवार थे 25 बच्चे, सभी बच्चे सेफ। गंडक बराज से छोड़े गए पानी से नदी का बड़ा जलस्तर, निचले इलाके में रहने वाले लोगों के घरों में घुस गया पानी। गंगा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, पटना सिटी के ज्यादातर घाट पानी में डूबे। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी पर बना बांध टूटा, आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, घर बार छोड़ने को मजबूर हुए लोग। दक्षिण बंगाल में सुधार के बाद उत्तर बंगाल में बाढ़ का कहर, कई डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ पूरी तरह से बाढ़ ने प्रभावित किया। बिहार के दरभंगा में कोसी नदी के बांध का पश्चिमी तटबंध टूटा, जगह जगह फंसे सैकड़ों लोग, पानी में समाये कई घर और दुकान। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कहर, कटरा पीएसएस में भी घुसा बाढ़ का पानी, 35 से ज्यादा गांवों में बिजली गुल। बिहार के मुजफ्फरपुर में डीएम और एसएसपी ने लिया बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा, पानी की तेज धार के बीच आगे बढ़ने में आई मुश्किल। नेपाल में बाढ़ का कहर, बाढ़ में अब तक 209 लोगों की मौत हो गई, 140 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूपी के बरेली में बीजेपी की सदस्यता अभियान के दौरान हंगामा, जमकर हुई मारपीट, 5 लोग गिरफ्तार हुए। मध्यप्रदेश के सिंगरौली में सरपंच और उनके बेटों ने मामूली विवाद में मारपीट कर दी, पिटाई करने का वीडियो वायरल हो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चा चोरी के आरोप में युवक की पिटाई की, पुलिस ने भीड़ से किसी तरह युवक को बचाया।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच यहां जमकर हाथापाई हुई। नगर निगम में नेताओं के बीच जमकर चले लात घूंसे। हरियाणा के फरीदाबाद में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 5 साल के मासूम बच्चे की मौत, सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीर। नोएडा पुलिस ने सुसाइड की कोशिश की नाकाम, 28वीं मंजिल से कूदने की कोशिश कर रहे शख्स की बचाई जान। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मामूली विवाद में जमकर मारपीट, 2 लोग घायल हो गए, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के मुरैना में मंदिर में चोरी, आरोपी ने चोरी से पहले भगवान की मूर्ति के पैर छूकर मांगी माफी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीरें। लखनऊ में फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय भरत की हत्या का मामला, हत्या से पहले का भरत का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, महंगे मोबाइल के लिए हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 25,000 का इनामी गिरफ्तार, नाबालिग के अपहरण और रेप का है आरोपी, एसपी सांसद मोहिबुल्ला नदवी का करीबी बताया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में 6 साल की स्कूल छात्रा से अश्लील हरकत, परिजनों के बवाल के बाद 5 दिनों के लिए स्कूल सील। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सोशल मीडिया के जरिए एक लड़की को परेशान करने का मामला, लड़की की मां ने आरोपी को जमकर पीटा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बार में डांस के दौरान कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया, मारपीट में 2 लोग घायल भी हुए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बदमाशों का खौफ, सड़क पर बिना वजह लोगों से मारपीट।